जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं हूँ गीतांजलि और मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। आज के वीडियो में मैं लड्डू गोपाल जी के लिए सिंहासन और झूला सजाने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ फैब्रिक स्टफ यूज़ किया है, कुछ लेसेस यूज़ किए हैं और कुछ फ्लावर्स यूज़ किए हैं। हाँ, मोर पंख तो मैंने ज़रूर से यूज़ किया है दोनों में ही। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड साथ में ही मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सी, बहुत सुंदर सी राधा जी की और श्री कृष्ण जी की कहानी सुनाने वाली हूँ। तो बात उस वक्त की है जब भगवान श्री कृष्ण और राधा जी एक वन में खेल रहे थे। इस बीच श्री कृष्ण जी ने राधा जी को एक बरगद के पेड़ के पीछे ले जाकर उनकी आँखों को अपने पीताम्बर से बांध कर उनको वहीं पर खड़े रहने को कहा और वहाँ से थोड़ी दूर पर एक कदम के वृक्ष के नीचे जाकर श्री राधा जी के लिए एक उपहार तैयार करने लगे। और जल्द ही श्री कृष्ण काम पूरा करके श्री राधा जी के पास गए और फिर उन्होंने अपने हाथों से श्री राधा जी की आँखों से पीताम्बर हटाया। श्री राधा रानी वो खूबसूरत उपहार देखकर बहुत प्रसन्न हुई। श्री राधा जी ने जब एक विशाल फूलों से सजा हुआ झूला देखा तो वो एक छोटी बच्ची की भांति हंसते हुए उस झूले से जा लिपटी। फिर राधा जी उस झूले पर बैठकर श्री कृष्ण जी से बोलती हैं, कान्हा पीछे से थोड़ा झूले को धक्का लगा दो। फिर श्री कृष्ण झूले को धक्का लगाने लगते हैं और श्री कृष्ण जी ने इस प्रकार झूले को यमुना जी के तट पर बनाया था कि जितनी बार श्री कृष्ण जी झूले को धक्का लगाते हैं और राधा जी जब आगे की ओर जाती या पीछे की ओर आती तो राधा जी के कोमल चरण यमुना जी की निर्मल लहरों को छूते हुए निकल जाते। फिर अचानक से श्री राधा जी की नज़र उस झूले में लगी एक श्वेत पुष्प पर जा पड़ी और फिर उस पुष्प को देखते ही श्री राधा जी बहुत अधिक प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी से कहती हैं, हे कान्हा, ये पुष्प तो हमारे ब्रज में नहीं है, तो आप इस पुष्प को कहाँ से लेकर आए? तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि मैं ये त्रेता युग से लाया था। त्रेता युग? ये सुनकर श्री राधा जी को आश्चर्य हुआ और फिर पूछी कि त्रेता युग से कैसे? फिर श्री कृष्ण झूला रोककर राधा जी के बगल में जाकर बैठ गए और फिर श्री कृष्ण प्रेम की आंसू अपनी आँखों में लिए राधा जी को बताते हैं कि हाँ राधे, त्रेता युग से लाया हूँ। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तो तुम पुष्प वाटिका में थी। पहली बार तुम्हें देखते ही राधे, उसी पल एक अपने हाथों से बनाया हुआ पुष्प से निर्मित झूला देने को मन किया, परंतु उस समय मैं रामावतार में था और मर्यादा पुरुषोत्तम होने की वजह से अपनी वो इच्छा पूरी ना कर सका। लेकिन मैंने आज के इसी खूबसूरत दिन के लिए उस वक्त कुछ श्वेत पुष्प अपने पास संभाल कर रख लिए थे और आज जब समय आया तो मैंने अपनी वर्षों की इच्छा पूरी कर तुम्हें ये उपहार दिया। यह सुनकर राधा जी की आंखें खुशी से नम हो गईं और फिर श्री कृष्ण और राधा जी दोनों एक साथ झूले पर बैठकर झूले का आनंद लेने लगे। तो कैसी लगी आपको ये कहानी और मेरा सजाया हुआ झूला? आसन के लिए मैं यहाँ वेलवेट फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ एंड ग्लू के लिए मैं ग्लू गन यूज़ कर रही हूँ। आसन में मैंने अंदर फोम डाला हुआ है जिससे जो आसन है वो सॉफ्ट रहे।
तो आपको मेरी दोनों DIYs कैसे लगी ज़रूर से बताएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम फॉर दिस वीडियो। एंड गाइज, इफ़ यू लाइक माई वीडियो माई DIYs, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।